हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की, बड़ों की और हम सब की फेवरेट और पौष्टिकता से भरपूर आंवला कैंडी। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक बर्तन में पानी भर लेंगे और आंवलों को हमें स्टीम करना है। वैसे तो हम आंवलों को पानी में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उससे वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो, और जो उनके पोषक तत्व हैं वो भी पानी में चले जाते हैं। तो इसलिए हम पहले उनको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। ये मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब आंवले लिए हैं और इनको हम करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। और हमारे आंवले जो हैं वो स्टीम हो चुके हैं और अब हम इनकी क्या करेंगे, इनको ठंडा करके फिर इनके अंदर की गुठली को हम निकाल देंगे। और हमने सारे आमलों की गुठलियाँ निकाल दी हैं और अब एक जार में हम इनको फाइन पेस्ट बना देंगे। गैस में रखेंगे हम कढ़ाई और कढ़ाई में हम ये जो हमने आंवले का पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। हमें इसमें कोई भी घी तेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आंवले के अंदर काफ़ी पानी होता है तो हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। इसमें मैं अब गुड़ यूज़ करूँगी। आप इसमें गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं और जितना मैंने आंवला लिया है उतना ही हम इसमें गुड़ भी यूज करेंगे। और गुड़ को मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक कर लिया है ताकि ये इजीली उसमें मिक्स हो जाए। और इसमें हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे। बस करछी से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में नीचे ना लगे और साथ में गुड़ भी इसमें गल के मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को हम एकदम स्लो रखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। गुड़ हमारा इसमें अच्छे से गल के मिक्स हो गया है।
और अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सामग्री। इसका पानी भी काफ़ी सूख चुका है। एक चम्मच के लगभग मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक। आप नॉर्मल वाला जो सी सॉल्ट हम डेली खाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक डालने से हम इसको व्रत के दिन भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। इसको पकने में लगभग हमें जो है 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। कड़छी से बार बार चलाते जाएंगे ताकि जो पानी है वो सूख जाए। और ये 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें हींग डाली है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और पाचक भी होती है। खाना खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हैं। और पौष्टिकता से तो भरपूर है ही। आजकल आंवले का सीजन भी है, आंवले मार्केट में बहुत आ रहे हैं। और जब ये अच्छे से हमारा भुन जाता है तो कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देता है, एक साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद मैंने अब डाला इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस। नींबू और अमचूर मिलाने से जो आंवले का हल्का सा कशेलापन आता है वो नहीं रहता है और स्वाद भी अच्छा होता है इसका। और ये हमारा जो है ये मिक्सचर बनके तैयार है। और ये मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था, चीनी का पाउडर बना दिया है। और अब हम हाथों में, ताकि हमारा जो ये हमने बनाया है मसाला वो चिपके नहीं, तो थोड़ा सा पहले चीनी का पाउडर हम हाथ में लगाएंगे और फिर इस तरह से हम सारी कैंडी बना देंगे। अभी ये जो मिक्सचर मैंने बनाया थोड़ा गर्म है, आप जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही बनाएं। और इस तरह से हम गोलियों को अच्छे से उसमें कोट कर देंगे चीनी के पाउडर में। एक बार बना के आप फिर से दोबारा इनको चीनी में कोट कर देना और हमारी कैंडी जो है वो तैयार है। और फिर इसको हम रखेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। ये आपका पूरा एक सीज़न बनाइए और अगले सीज़न तक इसको खाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।